हमने कहा कि ओएमजीसी की रिपोर्ट आ गई है, वन मैन जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, और एमएसीपी प्री 2006 के लिए रिजर्विस्ट को ओआरओपी की सिफारिश की गई है। हमने बताया कि जो एमएसीपी का जो मैटर था वहाँ रिकमेंड कर रखा है, तो उन्होंने ये कहा कि क्या ओएमजीसी की रिपोर्ट मेरे पास आएगी। हमने कहा सर ओएमजीसी की रिपोर्ट आपके पास आएगी, क्यों रक्षा मंत्री जी ने ही वो कमेटी बिठाई थी और उस पर डिसीजन आपको ही लेना है। अनुरोध किया गया कि इस फेवरेबल डिसीजन लेने का कष्ट करें। एक कॉर्डियल माहौल में मीटिंग हुई और उसी माहौल में ऑनरेबल डीएम के साथ एक ग्रुप फोटो किया गया और मीटिंग यहाँ पर समाप्त हो गई। श्री सुरेंद्र पहलवान जी का फोन आया रात को कि कल 10 बजे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। जब 12 बजे आया था तो सवेरे वीडियो नहीं बनाया जा सकता था, हम यहाँ से जल्दी निकल गए थे, और 24 जून 2023 को हमारी ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर। मैंने काफ़ी कुछ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो कुछ नहीं लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ। टोटल हम वहाँ 9 आदमी थे, जिनमें एक मैं था, सुरेंद्र पहलवान जी थे, केपी सिंह जी थे, आरएस देसवाल साहब थे, कैप्टन धर्मपाल यादव जी थे, और प्रीतम कुमार यादव साहब थे, सूबेदार सत्येंद्र सिंह जी थे, जोगेंद्र सिंह जी राठी थे, और धर्म सिंह सिवरान साहब थे। इस प्रकार ये 9 व्यक्ति थे, और बाद में सब 9 का एक ग्रुप फोटो भी हुआ जो हम कल डालेंगे या जब भी हमें उपलब्ध हो जाएगा हम बताएंगे उसको, और उसके बाद एक वीडियो और बाद में बनाएंगे। जो कुछ भी हुआ, ये जो मीटिंग हुई इसका श्रेय केवल और केवल दिल्ली वेटरन्स के कुछ व्यक्ति पदाधिकारी या मेंबर और उनका जो प्रेसिडेंट है सुरेंद्र पहलवान और उनके साथी केपी सिंह को जाता है। उन्होंने रात और दिन मेहनत करके इस मीटिंग को अरेंज कराया, और जो ज्ञापन हमें तैयार करके दिल्ली वेटरन्स और आर्मर्ड फोर्स है जो वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर के जो ज्ञापन बनाया और जो ज्ञापन हुआ दिया गया था, उसका पूर्ण विवरण मेरे द्वारा जनरल सेक्रेटरी ऑफ एएफबीआई के द्वारा दिया गया। मैं सारी बातें यहाँ पर पढ़ करके बताऊंगा, और हमारी काफ़ी देर तक हमने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई और वो काफ़ी प्रभावित थे उस चीज़ से। अब आगे क्या होता है वो देखा जाएगा, लेकिन इस मीटिंग के लिए बहुत मायने होते हैं, और आगे ऐसी ही मीटिंग दिल्ली वेटरन्स और जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली वेटरन्स के श्री सुरेंद्र सिंह पहलवान, ऐसी ही मीटिंग हम प्रेसिडेंट से करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ भी एक ऐसी मीटिंग करें। हमने उनको बताया, मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सारा का सारा, तो बेटर यही है कि हमने उनसे क्या क्या कहा। हमने उनसे कहा, साथ में बता, आज दिनांक 24 जून 2023 को 11 बजे पूर्व सैनिकों की ओआरओपी की विसंगति को लेकर मुलाकात हुई। ऊपर मैंने हेडिंग दे रखा है ऑनरेबल डीएम साहब के साथ मीटिंग। यह दिल्ली वेटरन्स और आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन का एक संयुक्त प्रयास था। दिल्ली वेटरन्स के प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र पहलवान और उनके साथियों के अथक प्रयासों से यह मीटिंग संभव हो पाई। काफी दिनों से इस मीटिंग की अरेंज करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। दोनों एसोसिएशन ने रात दिन मेहनत करके एक संपूर्ण ज्ञापन बनाया और उसे विभिन्न कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेजा गया। दिल्ली वेटरन्स अध्यक्ष श्री सुरेंद्र पहलवान और उनके साथी एवं एएफबीआई के जनरल सेक्रेटरी श्री दीवान सिंह, एएफबीआई के चेयरमैन जीएस सिद्धू के निर्देशों के अनुसार आपस में मिलकर ओआरओपी की विसंगतियों पर काम कर रहे थे। हमने बताया था आपको कि हम चाहते हैं कि पूर्ण ज्ञापन दिया जाए, और पूर्ण ज्ञापन तो बहुत पहले पहुंच कर हेड पर दिलाया, पहले हमारे लेटर हेड पर गए थे, लेकिन ये प्रयास एक संयुक्त था और इसमें हम लगे रहे। दोनों ही संगठनों मिलकर एक पूर्ण ज्ञापन सरकार को दे दिया है। आज जो मुलाकात ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर के साथ हुई, उसका रिप्रेजेंट करने का दायित्व एएफबीआई के जनरल सेक्रेटरी से दीवान सिंह को दे दिया गया। अब हमने वहाँ पर जो माननीय रक्षा मंत्री थे उनको क्या क्या बातें बताई, अब मैं वो बताता हूँ। ऑनरेबल डीएम साहब को बताया गया कि जैसे ही ओआरओपी 2 आई, उसे देखकर जेसीओआर को काफ़ी आघात लगा और एक ऐसा माहौल बना जो नहीं बनना चाहिए था। इसे यदि वाइजली हैंडलिंग किया जाता तो ये माहौल नहीं बनता। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ्स, यानी आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ और डीएसडब्ल्यू और आर्मी पेसेल और अन्य रिलेटेड डिपार्टमेंट्स
एक डिस्क्रिशन दिखाते तो परिस्थिति और कुछ होती। आज ये नहीं होती कि जंतर मंतर पर जो हमारे पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं तपती हुई धूप में और जो विसंगतियां पैदा हो गई हैं, शायद उन पर चर्चा होती और ये माहौल नहीं बनता। उनसे अनुरोध किया गया कि कोई ORP 2 की नॉलेज का जब स्टडी की गई तो पता चला कि मामला काफ़ी गंभीर। हमने उनको ये बताया कि हमने सोचा कि क्या जो पूर्व सैनिक हैं वैसे ही बाहर निकल पड़े हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, या जगह जगह जिले जिले और टाउन टाउन में निकल पड़े हैं, या कोई बात है। हमने उनको बताया गया जब ORP 2 की विसंगतियों का अध्ययन किया गया नोटिफिकेशन को सामने रख करके, तो उसमें क्या हुआ था, मामला काफ़ी गंभीर निकला और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने उनसे ये कहा थोड़े समय में इसे बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो मीटिंग होती है रक्षा मंत्री साहब के साथ, बड़ा मुश्किल है कि हर चीज़ को वहाँ एक्सप्लेन करना। अतः एक ऐसा प्लेटफॉर्म या मैकेनिज्म प्रदान किया जाए जहाँ पर हम अपनी विस्तृत रूप से अपनी ORP की एनोमलीज को बता सकें। हमने कहा है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए, एक ऐसी मैकेनिज्म तैयार कीजिए जहाँ हम विस्तृत रूप से अपनी ORP 2 की विसंगतियों को बता सकें। और जिस व्यक्ति को हम बताएं, आप जिसको भी नियुक्त करते हो, चाहे आप हमने DSW का मना कर दिया, हमने जो व्यू नौकर शाह का मना कर दिया, नौकर शाह इसमें हमारी बात सुनने को नहीं, हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल फेयर हो और इम्पार्शियल हो, अनवाइस्ड हो और अनवाइस्ड होकर के हमारी बातें सुने और उस व्यक्ति की सारी जानकारी केवल आपके पास आए और आप उसमें डिसीजन लें या आपको पता चले। उन्हें DM के पास पहुंचे, इस सजेशन का DM साहब साइलेंटली सहमत नजर करते आए और हमने जो उनको सजेशन दिया इस पर लगा DM साहब ने खुल करके कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका सिर हिलाने से पता चला कि हाँ इस पर वो सहमत नजर आए। हमने साथ में ये भी बताया, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, कि DSW में हमारे कुछ संगठनों की मुलाकात हुई, वहाँ पर उनको बताया गया कि सरकार के पास पैसा नहीं है। ये बड़ी ही अजीबोगरीब जवाब था, क्योंकि विसंगति है, पैसा नहीं है, इन दोनों में आपस में मेल नहीं है। और विसंगति है उसका जवाब ये भी नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पहले विसंगतियाँ जाने, सरकार के पास रखें, पैसा है या नहीं ये बात की बातें हैं। हमने ये भी उनको बताया। इस पर उन्होंने कहा ये पॉलिसी मैटर है, हम देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिविलियंस का जो कंपैरिजन है और आर्मी वालों का कंपैरिजन है नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी जल्दी नौकरी करके चला गया, बच्चे उसके भी हैं और उसको भी कोई सहारा मिलना चाहिए। फिर उसके बाद DM साहब ने यह कहा कि यह पॉलिसी मैटर है और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कि OMGC की रिपोर्ट आ गई है, वन मैन जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, और MACP pre-2006 के लिए रिजर्विस्ट को ORP की सिफारिश की गई है। हमने बताया कि जो MACP का जो मैटर था वहाँ रिकमेंड कर रखा है, तो उन्होंने ये कहा कि क्या OMGC की रिपोर्ट मेरे पास आएगी। हमने कहा सर OMGC की रिपोर्ट आपके पास आएगी, क्यों, रक्षा मंत्री जी ने ही वो कमेटी बिठाई थी और उस पर डिसीजन आपको ही लेना है। अनुरोध किया गया कि इस फेवरेबल डिसीजन लेने का कष्ट करें। एक कॉर्डियल माहौल में मीटिंग हुई और उसी माहौल में ऑनरेबल DM के साथ एक ग्रुप फोटो किया गया और मीटिंग यहाँ पर समाप्त हो गई।